भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव के ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बैंक से पैसे निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब ग्राहक पीएमसी बैंक से हर दिन 10,000 रुपये निकाल सकेंगे। इससे पहले ये सीमा 1,000 रुपये थी। बता दें कि आरबीआई ने अगले 6 महीने के लिए पीएमसी पर पाबंदियां लगा दी थी। बता दें कि बीते सालों में बैंकों में हुए घोटाले के चलते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर नियम कड़े कर दिए गए थे। वहीं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को इन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेनदेन पर रोक लगा दी है। आरबीआई द्वारा बैंक पर की गई कार्रवाई के तहत अब इस बैंक के ग्राहकों को अगले 6 महीने तक पैसा निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही बैंक में कोई नया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल पाएगा। वहीं बैंक में किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने आदि पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि पीएमसी बैंक का लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि आरबीआई अपने निर्देशों में स्थिति को देखकर संशोधन भी कर सकती है। आपको बता दें कि कुछ नियमों के उल्लंघन के चलते पीएमसी बैंक के लिए ये कदम आरबीआई द्वारा उठाया गया है और ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए आरबीआई ने अपने नियम में थोड़ी ढील दी है और ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.